Hey guys, hi everyone. This is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. कैसी चल रही है बच्चों जिंदगी? What is up, people? Welcome to the session. शुरुआत आज की दिन हुई हमारे साथ, आज शुरुआत का दिन खत्म भी हो रहा है आपके मेरे साथ इस पर्टिकुलर चैनल पे. कैसे सब लोग? Hi everyone. Good evening, people. Good evening. System with standard. Hi everyone. What's up? उम्मीद है कि जैसे हमने क्रैश कर दिया मेंटी को आज दोपहर को, वैसा दोबारा हम क्रैश ना करें आज इस पर्टिकुलर वक्त पे, वरना फिर तो हमें स्लाइड से ही मचाना पड़ेगा, है कि नहीं? चलो होपफुली लेट्स नॉट डू दैट, है ना? तो बच्चों कैसे सब लोग? सब बढ़िया एकदम. तो जो बच्चे नहीं थे 12 बजे सेशन में, सुन लो ध्यान से. 12 बजे सेशन ICC का था और हमने मचा डाला था, हमें क्रैश कर डाला था मेंटी को, मेंटी खत्म हो गई थी. तो उम्मीद है कि CBSE वाले भी आज क्रैश कर देंगे इस पर्टिकुलर सेशन को, फिर हम गूगल स्लाइड के साथ पढ़ेंगे आज, ठीक है? ओके, ग्रेट, फैंटास्टिक. ओके पीपल, व्हाट इज अप? आई कुड सी वी ऑलरेडी हैव 550 लाइक्स. थैंक यू पीपल, थैंक यू. हर सर के अंदाज में बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, आपके इस पर्टिकुलर प्यार को हम कैसे दोबारा बताए बता नहीं सकते. थैंक यू सो मच. ओके ग्रेट पीपल, व्हाट्स अप? सर आज क्लास बहुत जल्दी आ गए. सुरेंद्र जी मजाक उड़ा रहे हो, कैसे सब लोग? सब बढ़िया. चलो शुरुआत करते हैं कि आज हम करने क्या वाले हैं. आप लोग सब लोग जानते हो कि आज का सेशन है, टाइटल पढ़ लिया होगा आपने, इट इज दी VIP सीरीज, विच इज दी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सीरीज फॉर दी टॉपिक कॉनकेव लेंस, विच इज अ पार्ट ऑफ योर लाइट चैप्टर. एंड आज हम कॉनकेव लेंस से 8 आहा सवाल करेंगे. कैसे सवाल करेंगे? आहा सवाल. बहुत ही मस्त और बहुत ही चिकने सवाल हैं आज के, बहुत ही बढ़िया सवाल है आज. पहले जो 3 क्वेश्चन होंगे लेवल 1 के होंगे, फिर 3 क्वेश्चन लेवल 2 के, और आखिरी जो दो सवाल होंगे वो होंगे लेवल 3 के. 8 क्वेश्चंस धमाकेदार और एकदम मचाओ फाई. हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है, हर एक सवाल बोर्ड में आया हुआ है, और आखिरी दो सवाल तो भाई स्पेशली एकदम चिकने हैं, मजा आ जाएगा आज, ठीक है? रेडी हो आज के लिए? तो हार बिल्कुल नहीं मानना है कोई भी लेवल पे, ठीक है? और हर लेवल पे आपको बताऊंगा कि क्या क्या गलती कर सकते हो, 1 मार्क के प्रॉब्लम में, 2 मार्क के प्रॉब्लम में, 3 मार्क के प्रॉब्लम में, 5 मार्क के प्रॉब्लम में, मैं आपको बताते जाऊंगा हर एक लेवल में, ताकि आप नोट डाउन कर लो कि भाई ये गलती हो सकती है, वो गलती हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? जिंदगी कुछ भी हो सकती है, ठीक है बच्चों? ओके, तो देखते हमारे पास अभी 617 लाइक्स हो चुके हैं. भाई क्या कहते हो, सेशन शुरुआत करने से पहले 1000 लाइक्स कर दें? क्या कहते हो, रिकॉर्ड बना ले? जल्दी बताओ, ठीक है? आप लोग जो बोले कर लेंगे, ठीक है? एंड वी हैव 500 स्टूडेंट्स क्लोज टू. और बच्चों को आने देते हैं, तब मैं बताता हूं कि हमारे पिछले सेशन के होमवर्क रॉकर्स कौन है. होमवर्क का सवाल सबसे पहले किसने दिया वो देख लेते हैं. बट लेट्स स्टार्ट द सेशन विद अ वेरी ब्यूटीफुल कोट, दैट इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल वर्क अगेन इफ यू अनप्लग इट फॉर अ फ्यू मिनट्स इंक्लूडिंग यू. और ये वो टाइम है बच्चों जहां पे आप लोगों को अनप्लगिंग की ज्यादा इंपॉर्टेंस है जिंदगी में. क्यों? क्योंकि आप लोग अपने आप को ड्राइव करोगे, आप लोग अपने आप को पुश करोगे. लेकिन याद रखना कि आप भी इंसान हो, कोई मशीन नहीं हो. जब मशीन को खुद एक डे ब्रेक देना पड़ता है, आपको भी थोड़ा रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप रिफ्रेश हो सको और स्ट्रांगली बैकअप दोबारा आ सको, कम बैक कर सको, ठीक है? रियली इंपॉर्टेंट, कीप दैट इन माइंड. अपने आपको इतना पुश मत करना कि आपकी बॉडी गिव अप कर दे, ठीक है? तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं. आज हमारे जैसे कहा कॉनकेव लेंस का प्रॉब्लम्स है, एग्जाम प्रेशर, अगर कोई प्रेशर दिमाग में आ रहा है, जिंदगी में आ रही है, इस वीडियो को जरूर देखना. ये स्पेक्ट्रम बाय वेदांत का जो चैनल है, इसमें सिर्फ हम और आप हैं, इस वीडियो को जरूर देखना, मजा आ जाएगा देखकर, बता देता हूं. मजा आ जाए तो सब्सक्राइब कर लेना. लाइट चैप्टर कंप्लीट कर लिया हमने पूरे 18 सेशंस को लेकर, दो स्लाइड बनी हुई है यहाँ पे, देख लेना वहां पे हर एक टॉपिक को इंक्लूडिंग में डिटेल में पढ़ाया हुआ है, धमाकेदार तरीके से देख लेना एक बार. होमवर्क क्वेश्चन ये था, होमवर्क क्वेश्चन जवाब सबसे पहले किसने दिया था भाई? प्रसून यादव जी ने दिया था. कांग्रेचुलेशन प्रसून जी, हमेशा की तरह प्रसून जी बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं वैसे. प्रसून कांग्रेचुलेशंस, वेल डन होमवर्क रॉकर प्रवान. मनीषा महतो जी, आजकल मनीषा जी बहुत आ रही है वैसे, आजकल मनीषा जी बहुत आ रही है होमवर्क रॉकर. चवनप्राश खा रही है मनीषा जी आजकल, सब आज अच्छी बात है. अनिकेत जी बहुत आ रहे हैं, अनिकेत जी चिकन खा रहे हैं, बहुत बढ़िया अनिकेत जी. आई कुड सी राघव ऑन दी 4th पोजीशन, कांग्रेचुलेशंस राघव, केम छो. और हमारी सुधा जी ऑन दी 5th, सुधा जी ने आज हमारे मास्टर क्लास में मचा दिया था. सुधा जी कांग्रेचुलेशंस. सर आज भी मिक्सर की आवाज आएगी क्या? अनिकेत जी सच बता रहा हूँ, मास्टर क्लास जब ले रहा था मिक्सर की आवाज़ आ रही थी, मैंने दरवाज़ा बंद किया, दरवाज़ा खोला, दीदी को बोला दीदी आज नहीं, प्लीज़ आज नहीं, आज डोसा नहीं खाना है मेरे को, मिक्सी आप जितना चलाओ. लेट्स गो ऑन फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन पीपल, लेट अस गो फॉरवर्ड टू द फर्स्ट क्वेश्चन. चलो जल्दी से कर लो मेंटी ज्वाइन अभी के अभी, जैसे ज्वाइन कर लेते हो हिट दैट हार्ट बटन, यू नो किटी बटन, डेविल बटन, नॉट किटी बटन, और उसके बाद थम्स अप बटन दबा दो जल्दी से. जल्दी आ जाओ बच्चों. I can see we have almost 600 students right now. 750 likes हो चुके हैं, 1000 likes cross करने वाले हो कि नहीं? Sir, speak Malayalam once. Speak Malayalam. So well, yeah. Mystery spot. Sir, after very long time. Yes, Asmaji, very long time.
कैसे हो सर? अभी टीवी पे भाभी जी घर पर चला रही है. Great. The code people is on your screen. 517274 is the code for the Menti today. Please go on to menti.com. menti.com पे आप अभी के अभी जा सकते हो. menti.com आपके google.com की तरह है. बस google.com टाइप मत करो, menti.com टाइप करो और कोड है 517274 जैसा आप देख पा रहे हो. जल्दी से आ जाओ. I'll wait for all of you guys to join. देख लेते कितने बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है. मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ आप सबके ज्वाइन करने का, है ना? चलो जल्दी आ जाओ. कितने आ गए मुझे दिख रहा है यहाँ पे? ऑलमोस्ट 200 बच्चे आ गए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 600 बच्चे हैं यूट्यूब पे. तो कम से कम वहाँ पे 500 का नंबर हो जाना चाहिए ना बच्चों. तो 500 बच्चे जल्दी जल्दी से. सर सॉ योर डांस इन यूट्यूब, इज इट सो मिस्ट्री स्पॉट? थैंक यू सो मच यार, होपफुली इट वाज गुड. मैं बहुत बढ़िया हूँ ममता जी, आप कैसी हो? ठीक है चलो, जब तक बच्चे जुड़ रहे हैं मैं आपको रूल्स बता देता हूँ. ठीक है, लेवल वन को करने के लिए 30 सेकंड दे रहा हूँ मैं आपको. यू विल हैव 10 सेकंड्स टू रीड द क्वेश्चन. वंस यू रीड इट यू विल हैव 30 सेकंड्स टू वोट डाउन. द पर्सन हु गिव्स द करेक्ट आंसर as well as the fastest answer gets the maximum points. So if two people are right, the person with the fastest answer will get the higher points as compared to the second one. Both of you guys will get the points, but according to your time, how fast you answer, you'll get better points. You'll have 3 questions from level 1, and after 3 questions, we'll check out the leaderboards, who is on the top 10 out of the entire country, out of all the students participating in this. Okay? This is level 1 people, there's 1 mark problems, most of them will be based on diagram based, or ray diagrams, or sign convention. Please make sure that you're focusing here. You will have 30 seconds more to prepare yourself. Open your notebook and pen, pencil, scale, eraser, sab ready kar lo, geometry box open karo, compass utha lo, jaldi aa jao. अरे गौरव जी दिल खुश कर लिया आपने. गौरव जी कह रहे हैं सर आप पतले हो गए हो. गौरव जी हाँ, एक गले मिल लो मेरे से. थैंक यू गौरव जी, थैंक यू. अगर आप नहीं जीतोगे इसमें मैं कुछ ना कुछ करूंगा कि आप जीत जाओ. इसमें मजाक कर रहा हूँ. ठीक है, 10 काउंटडाउन विद मी पीपल, काउंटडाउन विद मी. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Question number 1. On your screen, people. On your screen, question number 1. Very easy one. You will have 10 seconds to think. Incident ray AB falls on a lens. The refracted ray BC is shown in figure. Name the lens. What lens is this? If the refracted ray is diverging out, then which lens is this? Is this a concave lens, convex lens, diverging lens, either A or C? Which one do you think is the correct answer? Let's go, people. ये तो मैं भी कह रहा हूँ, आसमी जी कोई बिलीव नहीं करता मेरा. रॉन्ग हो गया. सानवे जी शाबाश, 10 सेकंड और आपके पास. बहुत इजी सवाल है और मैं देख सकता हूँ कि 550 बच्चों ने वोट डाउन कर लिया. ऑलमोस्ट 550 के ऊपर बच्चों ने वोट डाउन कर लिया है. हंगामा मच रहा बच्चों. 3, 2, 1. पहले सवाल के बाद देखते हैं कि क्या जवाब सही है और क्या जवाब सही नहीं है. सस्पेंस रख रहे हैं हम लीडर बोर्ड्स को अभी, क्योंकि लीडर बोर्ड्स तीसरे सवाल के बाद ही दिखेगा. सबसे पहले लीडर बोर्ड तीसरे सवाल के बाद है, सस्पेंस में है. बेशर्मो, कॉनकेव लेंस इज द करेक्ट आंसर, सो इज डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि कॉनकेव लेंस ही डाइवर्जिंग लेंस होता है. सो ईदर ए और सी इज द करेक्ट आंसर. भूल गए? सक्सेसफुल. कोई बात नहीं. अरे थैंक यू सो मच रचिता दी, थैंक यू सो मच रचिता. इट्स ओके पीपल, इट्स ओके, हो जाता है. जिंदगी में ऐसी चीजें होती रहती हैं. सो ऑफ कोर्स यू गाइड्स गॉट द आइडिया करेक्ट दैट ईदर इट्स अ कॉनकेव लेंस definitely, but that is also a diverging lens. So it's okay. It's okay. It happens. Thank you so much, Jatin ji. Thank you so much. Moving on to question number 2. जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं मेंटी में, क्या कर रहे हो? जुड़ जाओ. क्या कर रहे हो घर पे बैठ के? हैं? अचार डाल रहे हो? मक्खी मार रहे हो? हाँ? हर्ष सर के यादों में खोए हुए हो? क्या कर रहे हो? आ जाओ, जुड़ जाओ. हर्ष सर भी खेल रहे हैं वैसे. जुड़े हो यहाँ पे कहीं ऐसे बैठे रहते हैं ना, जुड़ जाते हो. menti.com में जाना है. कोड इज 517274. पीपल, क्वेश्चन नंबर 2 कमिंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. लेट्स गो. नीचे नहीं पड़ा? अरे कोई बात नहीं जस्टा जी, हो जाता है. 2011 का सवाल है. अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद अ कॉनकेव लेंस. ओ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, माय फेवरेट 1 मार्क क्वेश्चन टुडे. अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद अ कॉनकेव लेंस सो दैट द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज पॉजिटिव. नेम द टाइप ऑफ द लेंस दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बिहेव्स एज व्हाट? कॉनकेव लेंस, बाइकॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ग्लास स्लैब. बताओ. ठीक है प्रेजेंट्स, वेयर टू गेट योर नोट्स बेटा? फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन. विद इन 24 आवर्स फॉर एवरी सेशन द पीडीएफ विल बी अपडेटेड. Within 24 hours. नहीं होता तो बताना. अखिलेश जी गलत हो गया, कोई बात नहीं. अखिलेश जी कैसे हो? ऐसे बहुत दिन हो गया. मेरे न्यू स्टूडेंट कौन है भाई? जल्दी आ जाओ. दिल चुरा लिया हमने तुमसे प्यार करके. क्या कर दिया बच्चों, क्या कर दिया लोगों ने? पता है
इस पूरे सवाल का जवाब सिर्फ एक वर्ड पे है, पूरे सवाल का जवाब सिर्फ एक वर्ड पे, वो वर्ड क्या है देखो ध्यान से, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज पॉजिटिव। खत्म, जवाब वहीं पे मिल जाएगा आपको, पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज पॉजिटिव। पॉजिटिव पावर किस चीज का होता है बच्चों, पॉजिटिव पावर किस लेंस का होता है, कॉन्वेक्स का कि कॉनकेव का, ये बता दो बस, पॉजिटिव पावर किस, हाँ एग्जैक्टली पूजा जी, पॉजिटिव आपने ही बोला, वेरी गुड, यस कॉन्वेक्स लेंस का होता है। खत्म, अब कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, कैसे भी हो, 10th स्टैंडर्ड है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज आपके सिलेबस में है नहीं, तो जो वो वही देंगे जो आपके सिलेबस में है, तो कंबाइन करके वो कह रहे हैं कि भाई पावर तो पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव है पावर तो जो भी हो कॉम्बिनेशन आपको कॉन्वेक्स लेंस दे रहा है, बात खत्म, दैट इज इट। सो दिस वॉज फंडामेंटली बेसिक। एक वहां का सवाल है, खा गया ना धोखा, तो भाई पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों में लग गई आप लोग, यहाँ सर बता रहा पीपल, पहले और दोनों क्वेश्चन दोनों में लग गई, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, वरना क्वेश्चन में बहुत गड़बड़ है, पढ़ना पड़ेगा लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट को दिमाग में लगाना पड़ेगा, वीडियोस देखो जाके उमंग के वीडियोस देखो जाकर, बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा और आखिरी सवाल लेवल वन का मचाना है बच्चों, क्योंकि इसके बाद लेवल की डिफिकल्टी लेवल थोड़ी और बढ़ जाएगी, क्योंकि लेवल टू पे जाएंगे हम, ठीक है, और लेवल थ्री भी है फिर उसके बाद, तो चिंता नहीं, फोकस यहाँ पे। क्वेश्चन थ्री ऑन योर स्क्रीन्स, अरे चल मारो बेटा चल मारो, मेरे को सॉरी नहीं बोलना आपको, बिल्कुल भी नहीं बोलना, मेरा काम है आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन से एक्सपोज करना, वो मैं कर रहा हूँ, आप लोग एक्सपोज हो बस। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ अ कॉन्केव लेंस, द इमेज मस्ट लाई टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस, मस्ट लाई टू द राइट ऑफ द लेंस, मस्ट लाई ईदर लेफ्ट और राइट ऑफ द लेंस, मे बी एनलार्ज्ड, व्हिच इज द करेक्ट आंसर। वीआईपी बल्ले बल्ले आ रहे हैं जी, अरे वीआईपी बल्ले बल्ले, स्प्रिंटेक्स बल्ले बल्ले, सब बल्ले बल्ले है ना सर। वाई शर्ट इन दिसंबर, दिस टी शर्ट इन दिसंबर, नहीं अभी थोड़ी गर्मी लग रही है मेरे को, क्योंकि कंटिन्यूसली लगातार तीन सेशन ले लिए मैंने, तो अभी मेरे को में गर्मी लगने लगी है। 6 o'clock टू 7:15, 7:30 टू 8:30, 8:30 सीधा यहाँ पे, तो तीन सेशन हो गया, तो गर्मी लग रही है मेरे को। यस, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल, दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू बी, इजंट इट। यस, हमेशा एक बात रहा याद रखना, इसका ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको, ट्रिक हमेशा बताता हूँ, जल्दी से मुझे बताओ कॉनकेव लेंस के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताया हुआ है, व्हाट इज द ट्रिक, आई हैव टोल्ड यू अबाउट कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर, देयर इज ओनली वन ट्रिक, व्हाट इज इट, वेरी गुड सानवी, एग्जैक्टली करेक्ट अरुण, वेरी गुड यशस्विनी, एग्जैक्टली करेक्ट पीपल, द ओनली वन ट्रिक फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस इज वेदांतु का वेद, वेदांतु के नाम जो पीछे लिखे हुए, वेदांतु के नाम से वेद निकाल दो, यहां लिख दो, दिस इज द इमेज प्रॉपर्टी ऑफ अ concave lens, this is the image property, how a concave lens will always give you an image which is virtual, erect and diminished, virtual, erect and diminished image every single freaking time, always, right? If that's the case, in the case of a lens, the virtual image and the erect image is always formed on the same side of the object, always formed on the same side of the object, got the idea? Now, since we are going to level 2, मैं आपको बाकी वेरिफिकेशन मेथड भी बता देता हूँ, बाकी चीजें बता देता हूँ, ताकि आपकी न्यूमेरिकल सही जाए, ठीक है? क्या क्या बच्चों, पहली बात तो वेद है, दूसरी बात क्योंकि इमेज लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है, आपकी वी की वैल्यू नेगेटिव होगी, द वी वैल्यू विल बी नेगेटिव क्योंकि लेंस के सामने बन रहा है। दूसरी बात, हमेशा देख लेना आप, कोई भी रे डायग्राम देखना, कभी भी देखना, कॉनकेव लेंस का जो इमेज होगा, इमेज डिस्टेंस होगा, वो हमेशा फोकल लेंथ से कम या इक्वल टू होगा, हमेशा फोकल लेंथ से कम या इक्वल टू होगा, क्योंकि इमेज फोकस पे तभी बनती है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, वरना नहीं बनती है, वरना हमेशा फोकस से कम पे बनेगी, एंड वी की वैल्यू हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी कम होगी। इन तीन चीजों को अभी नोट डाउन कर लो इन रेस्पेक्ट टू वी, ठीक है? अब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, क्योंकि वर्चुअल इमेज है, आप लोगों को पता है कि मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होती है फॉर ए वर्चुअल इमेज। दूसरी बात, डिमिनिश्ड इमेज बन रही है तो m विल बी लेस देन 1, ये हो गया मैग्निफिकेशन। अब हाइट ऑफ द इमेज की बात करते हैं, क्योंकि ये सारे सवाल आपको आएंगे अभी। हाइट ऑफ द इमेज क्या कहता है, क्योंकि ये इरेक्ट इमेज है, हाइट ऑफ द इमेज विल बी पॉजिटिव, लेकिन क्योंकि ये डिमिनिश्ड इमेज है, हमेशा हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, हाइट ऑफ द इमेज हमेशा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से कम होगी, ठीक है? ये हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, और ये हमें पता है कॉनकेव लेंस के बारे में। आपको दुनिया से कोई भी सवाल आ जाए कॉनकेव लेंस का, ये हर एक प्रॉपर्टी सेम रहेगी कॉनकेव लेंस के लिए। ये मैंने क्यों बताया अभी, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स करोगे, जब अगर आपको ये पता होगा
तो आंसर्स ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा, आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, ठीक है? हम करेंगे भी लेवल टू, ठीक है? हम करेंगे भी लेवल टू। रुम्पा ठाकुर जी बताना क्यों, ठीक है? ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लिया? यस, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, वी गोना गो फॉरवर्ड नाउ, वी गोना गो फॉरवर्ड फॉर द लेवल टू। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं लीडर बोर्ड्स। आ जाओ बच्चों, लीडर बोर्ड्स ऑन योर स्क्रीन, लेट्स गो। यस, फैंटास्टिक, ठीक है। होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया है। और हमारे पास अभी 1000 के आसपास बचे हैं, 1000 लाइक्स हो चुके हैं पीपल। द टारगेट फॉर टुडे इज 2000 लाइक्स। मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन राइट अवे एंड मेक दिस सेशन एज ऑलवेज अमेजिंग, ठीक है? सर बॉडी बना रहे हो? नहीं बेटा, बॉडी कम बना रहे, कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ गए रूम्पा ठाकुर जी, कहाँ गई आप? आ जाओ जल्दी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यस, दैट लाफ अनूप, ग्रेट। ओके, सो आई कैन सी आयुष इज ऑन द टॉप, लकी ऑन द सेकंड, श्रेय ऑन द थर्ड, हाई फाइव बेटा, वेल डन। रियाज ऑन द फोर्थ, देव ऑन द फिफ्थ, सांचित ऑन द सिक्स्थ, कीर्ति ऑन द सेवंथ, लूजर ऑन द एट, पीयूष ऑन द नाइन्थ एंड सिद्धराज ऑन द टेंथ। लूजर बेटा आप लूजर बिल्कुल नहीं हो, आप जितने वाले हो मेरे को पक्का गेन है। पूरे 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 फोकस के साथ यहाँ पे अप्लाई, अब यू नो ध्यान दो, मचा रहा हो गया, ठीक है? और हारना और जीतना तो अलग बात होती है, कोशिश करना इज मोर इंपॉर्टेंट। गेम को एक बल्ले बल्ले अगर हर कोई कोशिश कर रहा है तो, गेम को एक बल्ले बल्ले अगर हर कोई कोशिश कर रहा है तो, जल्दी से, है ना? गुड इवनिंग वर्तिका, हाउ आर यू? अदिति जी नमस्ते, सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच पीपल। चलो अब एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं, लेवल टू में जाने से पहले लेवल वन की बात करते हैं एक बार। लेवल वन में अगर आपकी गलती हुई है पहले क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये है कि आपको फंडामेंटली ये नहीं पता है कि कॉन्वेक्स लेंस क्या है और कॉनकेव लेंस क्या है, और उनके रे डायग्राम्स को नहीं पता है, नोट डाउन करो। दूसरे क्वेश्चन में अगर आपकी गलती हुई है तो अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, रे डायग्राम्स को नहीं पता है। तीसरा क्वेश्चन जो अभी हमने किया, अगर उसमें आपको डाउट है तो इसका मतलब ये है कि आप कॉनकेव लेंस के बारे में ठीक से नहीं जानते हो। लिखो अभी, ठीक है? अगर तीनों सवाल गलत हुए तो बेटा पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बच्चों जोर से बोलो जय श्री हर्ष, स्टार्ट करें सेशन को। 1.1 के लाइक्स हो चुके हैं, जोर से बोलो जय श्री हर्ष। यस, लेट अस नेल दिस 2 and 3 मार्क क्वेश्चन ऑल्सो, 3 questions लेवल 2। हर एक सवाल के लिए आपको मिलेंगे 60 seconds, 60 seconds में मचाना है, 10 seconds मिलेंगे रीड करने के लिए, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक और बार काउंटडाउन हो जाए, मेरे साथ काउंटडाउन करना स्टार्ट करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लेवल 2 ऑन योर स्क्रीन्स। क्वेश्चन नंबर 1 पीपल, क्वेश्चन नंबर 1 लेवल 2 का आपके सामने ये रहा। ऑल द बेस्ट, ठीक है? यहाँ पे 1000 बच्चे हैं हमारे पास, 1000 बच्चे जुड़ जाने चाहिए। menti.com पे जाओ, कोड है 5172714, मचाओ। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम अ सैंपल पेपर। इसका जवाब हम आंख बंद करके दे सकते हैं अगर आपने पहली की जो चीजें मैंने बताई थी वो नोट डाउन कर लिया हो तो। जो मैंने आपको बताया था अगर आपने वो नोट डाउन कर लिया है तो बच्चों ये जवाब आप आंख बंद करके दे सकते हो। यस, वेरी गुड भव्या, फैंटास्टिक। अरे प्रमानंद जी हाई फाइव, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, बोलो तारा रारा, क्या बात है, जय श्री हर्ष, जय श्री हर्ष। ये हुई ना बात, फैंटास्टिक पीपल, फैंटास्टिक, सुपरबली प्राउड ऑफ यू गाइस, सुपरबली प्राउड। यस, 20 सेकंड्स मोर और मैं देख सकता हूं कि प्राउडली ऑलमोस्ट 600 बच्चों ने वो डाउन कर लिया है। दिस इज गोइंग प्रिटी वेल फॉर यू गाइस। आई कैन सी वी आर टचिंग 1200 लाइक्स, आई कैन सी वी हैव मोर देन 1000 स्टूडेंट्स राइट नाउ। पीपल, अगर नहीं जुड़े हो आप लोग मेंटी से, अभी कभी जुड़े हो, क्योंकि अभी भी 5 सवाल बाकी है। menti.com पे जाना है और कोड है 5172714, अभी कभी। 3, 2, 1, समय खत्म होता है अभी, देखते हैं। वेल डन, नॉट बैड एट ऑल, किल्ड इट पीपल, किल्ड इट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। Let us check out the leaderboards now. And then I'll tell you how to solve this question in 10 seconds. I'll show you how to solve this question in 10 seconds. अगर ये MCQ में आता है आपको तो। आयुष जी कोई बात नहीं बेटा। श्रेया जी ऊपर जा रही हैं। श्रेया जी on the top. Lucky on the second. Sanjit on the third. Dev, Kirti, Loser, Archita, Ayush, Aryan, Tarun. Fantastic. Fantastic people. Fantastic. अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 10 सेकंड में सवाल को कैसे कर सकते हैं। ध्यान से देखना भी यहाँ पे। बहुत ईजी था। क्यों? पहला बात, वेद वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के सेम साइड में बनेगा, लेंस के सामने बनेगा। सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑपोजिट गलत, ऑपोजिट गलत, सेम साइड सही, ये दो ऑप्शन बच गए। दूसरी बात क्या बोली मैंने आपको, मैंने आपको दूसरी बात क्या बोली थी, कहां गया भाई पेन, कहां गया, हाँ ठीक है, मैंने आपको दूसरी बात क्या बोली थी बच्चों, मैंने आपको दूसरा ये बोला था कि v की वैल्यू हमेशा u से कम होगी और v की वैल्यू हमेशा
या तो लेस देन या इक्वल टू फोकल लेंथ होगी। यू की वैल्यू कितनी दी गई है 50 सेंटीमीटर 50, तो वी की वैल्यू 50 से कम होगी, इससे ये दोनों 50 से कम है। और एफ की वैल्यू है 20, यानी कि वी की वैल्यू 20 से कम होनी चाहिए, 25 है। गलत, करेक्ट, सी दैट, सी दैट गोइंग ऑन, दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू। अगर आपको ये चीजें याद है जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले यहां पे लिख कर दिखाया था, कुछ मुझे पूछ रहे थे सर आप ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि मैंने इसलिए बताया आपको, अगर ये सवाल एमसीक्यू में आ जाते हैं तो भाई तारारारा मचा डालना, अगर ये सवाल एमसीक्यू में नहीं भी आते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई आपकी वी की वैल्यू 20 से कम होनी चाहिए, इतना तो पता है आपको, आपको पता होना चाहिए कि वी की वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए, इतना तो पता है आपको। तो जब आप कैलकुलेट करोगे अगर ये दोनों में से एक भी चीज नहीं आती है तो यानी कि आपका सवाल गलत है। ये कैसे पहचानोगे आप कि आपके जवाब गलत है जब आपको पता ही नहीं है कि कैसे वेरीफाई करना होता है? इसलिए तो हम इसको कहते हैं वेरिफिकेशन मेथड। बहुत अच्छे बोल रहे हो ऑलरेडी, वेरिफिकेशन मेथड जिंदाबाद है ना, ये हुई ना बात नहीं कह जी, एग्जैक्टली। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ विद नॉर्मल न्यूमेरिकल मेथड। 1/f = 1/v - 1/u, 1/v = 1/f + 1/u। ऐसा लग रहा है मैं रैप कर रहा हूं ना, ये ऑसम। f 1/-20, ये यहां पे आपकी दूसरी गलती होगी कि फोकल लेंथ आपने पॉजिटिव लिया होगा। कितने बच्चों ने लिया पॉजिटिव फोकल लेंथ बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस टू पॉजिटिव फोकल लेंथ, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होता है, इसका नेगेटिव होता है ना? लिया मी सर बुक तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नोट ऑन करो, नोट ऑन करो अभी के अभी कि फोकल लेंथ कॉन्केव का होता है नेगेटिव और कॉन्वेक्स का होता है पॉजिटिव, अभी के अभी नोट ऑन करो, ये गलती ना हो पाए, ठीक है। दूसरा प्लस यू कितना है भाई, यू तो नेगेटिव होगा क्योंकि हमेशा यू नेगेटिव होता है, -50 करो इसको सॉल्व अभी जल्दी से, तो 1/v = -50 - 20 - 70 - -20 - -50 - 0000 कट गया, ये नेगेटिव कट गया 52, तो v इज इक्वल टू 100/7, -100/7 आ गया को जवाब, और -100/7 कितना हो रहा है 14.3 आएगा, देख लेते हैं 7 × 1 = 7 कितना बच गया, 3 बच गया, सो 7 × 4 = 28 2 बच गया, 7 × 2 = 14 ठीक है, और 9 आएगा करेक्ट, तो 14.29 -14.29 और -14.3 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपका जवाब नेगेटिव आया है, दैट इंडिकेट्स कि आपका जो इमेज है वो ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ऑप्शन डी। बोलो तारा रा रा, है ना, शाबाश। लेवल 2 का दूसरा सवाल, नोटबुक खोलो अभी, अप्लाई करो वेरिफिकेशन मेथड और जवाब निकालो बिना कुछ किए, इजी था ये, हुई ना बात पूजा जी, बहुत बढ़िया। और देखते देखते वी आर टचिंग 1300 लाइक्स पीपल, थैंक यू सो मच फॉर दैट, लेट अस नेल दिस अप, लेट अस नेल दिस अप। आखिरी 4 सवाल है और 4 सवाल में मचाना है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ये रहा आपके सामने 60 seconds अगेन कमिंग ऑन योर स्क्रीन्स, मचाओ बच्चों, बिल्कुल ही 2016 का सवाल है, 2016 का सवाल है। A divergent length lens has a focal length of 30 cm. At what distance should an object of height 5 cm from the optical center of the lens be placed so that its image is formed 15 cm away from the lens? Beautiful. U is -15, U is -50, U is -30, U is equal to 20. क्या लगता है आपको जवाब? जल्दी से. Come on, people. Let's go. Ganesh ji, Ganesh, this is a English channel where we mix Hindi and English together. It is not an English channel. English channel, we have one more, Vedantu Class 9 and an English. You can learn in purely English there. This is an English channel. We mix English and Hindi together. ठीक है? Sir, मैंने आपसे questions मांगे थे. दे दे, वो क्या ना सर जी? 1.3K? Beautiful. 1.3K likes people. How beautiful you guys are. Thank you so much, well, being amazing students, being an amazing audience as always. Great job. Target is 2000 though. हाँ क्या? अरे बहुत बढ़िया. 7 seconds और. 7, 5, 4, 3, 2, 1, fantastic people. यार मेरे को एक छोटा सा दुख है अभी फिलहाल के लिए, 623 people voted यार, यहाँ पे हमारे पास 1000 बच्चे हैं, ये बाकी 400 बच्चे क्या कर रहे हो YouTube पे, क्या कर रहे हो? अभी के अभी menti.com पे जाओ और टाइप करो कोड 5172714, या तो अपने मोबाइल फोन में, या तो अपने लैपटॉप में, या तो अपने डेस्कटॉप पे, जो भी यूज करो, एक नया टैब ओपन करो, स्प्लिट स्क्रीन करो और खेलो वहां पे क्विज। क्यों बैठे हुए ऐसे YouTube पे, कर क्या रहे हो? ठीक है, कंग्रेचुलेशंस पीपल, सुपर प्राउड ऑफ यू गाइस, वेरी वेल डन। लीडरबोर्ड्स को देख लेते हैं, हम 218 बच्चों ने जवाब दिया, लेकिन अभी भी हम वहां पे पहुंचे नहीं है, अभी भी हम 100% एक्यूरेसी पे नहीं पहुंचे हैं, करना है हमें। चलो बच्चों, यही हमारी मेहनत है, हमारा टारगेट क्या यही है ना कि भाई 100% सक्सेसफुल होना है, एक बच्चे को नहीं, हर एक बच्चे को 100% सक्सेसफुल बनाना है।
श्रेया जी सबसे ऊपर, लकी जी ऑन द सेकंड, सिर्फ दो पॉइंट्स का डिफरेंस लकी और श्रेया के बीच में। संचित देव, आयुष, ऋषभ, आर्यन, शानवी, सुभी, हाय हाय सुभी, कंग्रेचुलेशन दी एट ग्रेड, सुयश जी 7 हाई फाइव, 1 2 3 4 5 6 7 1.4 के लाइक्स, थैंक यू सो मच पीपल, यू गाइस आर अमेजिंग एज ऑलवेज, लेट अस गो फॉरवर्ड एंड सॉल्व दिस। चलो इस पर एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं आपको, सेम कॉन्सेप्ट है। पहली बात, वेव, वेव पे जाने से पहले एक जनरल अंडरस्टैंडिंग, जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट, लड्डू पार्ट, यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, पॉजिटिव नहीं हो सकती। तो ऑप्शन डी स्ट्रेट फॉरवर्ड कट गया, देयर इज नो थिंकिंग अबाउट इट, सोचना ही नहीं इस बारे में, खत्म। यू कभी नहीं हो सकता पॉजिटिव, नेगेटिव है, साइन कन्वेंशन नेगेटिव है, ठीक है, ठीक है, गॉट द आइडिया, ओके। ना अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अब हमें पता है कि भाई वी की वैल्यू हमेशा यू से कम होती है, तो इसका मतलब ये भी है कि यू की वैल्यू हमेशा वी से ज्यादा होगी, यू की वैल्यू हमेशा वी से ज्यादा होगी, ये भी इसका मतलब है। तो यहां पे वी कितना है, यहां पे वी 15 है, यहां पे वी की वैल्यू 15 है, तो यू की वैल्यू 15 से ज्यादा होनी चाहिए, तो ये 15 भी कट गया। दो ऑप्शन पे लाके खड़ा कर दिया हमने, सोच कर देखो, एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन के हॉल में बैठे हुए हो, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन से दो एलिमिनेट हो गए, अब अकड़ वकड़ बम्बे हो, ये करोगे ना, नहीं, अब सॉल्व करोगे, है ना। तो लुक एट द कॉन्फिडेंस यू गाइस गोना हैव, दैट्स क्रेजी, दैट्स अमेजिंगली क्रेजी, आई लव दिस पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन। लेट्स मूव ऑन नाउ और ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, चलो करते हैं, मचाते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से। तो ये आइडिया मुझे मिल गया, अभी अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। मेरे पास फॉर्मुला है 1/f = 1/b - 1/u, अभी हम थोड़ा रैप करेंगे, ठीक है, क्या निकालना है, 1/u, तो 1/u = 1/b - 1/f, ठीक है। v कितना है भाई, 15 दिया हुआ है, 15 नेगेटिव होगा, कितने बच्चों ने पॉजिटिव लिया, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस टुक दिस एज पॉजिटिव, v भी हमेशा नेगेटिव होगा, है कि नहीं, याद रखना है, गलती नहीं करनी है। तो 1/-15 - 1/4 ये भी नेगेटिव होगी, -30, ठीक है। अब मचाओ, कैसे करोगे, -30 + 15 - 15 - 15 - 30 - 15 कट गया, बचा गया -30, सो यू विल बी इक्वल टू -30 cm। बरसो रे मेघा मेघा, है ना ओपी, क्या बात है, ये हुई ना बात बच्चों, यही तो कहते हैं, करेक्ट, बस शाबाश। 2016 का सवाल, एकदम लड्डू, एकदम लड्डू 2016 सवाल। वेरिफिकेशन मेथड इज लाइफ, इट्स लाइफ लाइन, यस इज लाइफ लाइन यार। अभी भी देख रहा हूं 645 बच्चे हुए, 1100 बच्चे हैं वहां पे, कर क्या रहे हो तुम, सेशन में क्यों नहीं आ रहे, कर क्या रहे हो तुम, मुझे पता है मेरी शक्ल बहुत प्यारी है, लेकिन यूट्यूब पे मत देखो, मेंटी पे आकर देखो, है ना, ग्रेट ग्रेट वी विल ग्रेट। चलो ये अब आखिरी सवाल है लेवल 2 का, और इसके बाद होगी बल्ले बल्ले, ठीक है, लेवल 2 के बाद सीधा लेवल 3 पे जाएंगे, लेवल 3 में सिर्फ 2 सवाल है, और जैसे मैंने कहा था लेवल 3 के जो सवाल है सबसे ज्यादा आज एकदम आहा है, देख के मजा आ जाएगा, मतलब देख कैसे खाने का दिल करेगा उन्हें, इतना मजेदार सवाल है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ लेवल 2 ऑन योर स्क्रीन्स पीपल, लेट्स गो, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी। 2019 का सवाल, आधा सवाल तो यही करते हैं, मैंने क्वेश्चन का पहला लाइन पढ़ा मैंने, आधा सवाल का जवाब मिल गया मेरे को ऑलरेडी, फाइंड द डिस्टेंस एंड नेचर, नेचर ऑफ द इमेज ऑफ कॉनकेव लेंस, पता नहीं हमें, ऐसे मैंने ऐसे अदाएं दिखाकर ऐसे दिखाया, ऐसे मसल उसल दिखा के दिखाया था मैंने, दिखाएगा तो नेचर ऑफ द इमेज, आधा क्वेश्चन यही पे हो गया, ऑप्शन नहीं चाहिए मेरे को भाई, ऑप्शन नहीं चाहिए मेरे को इसमें, है ना, ग्रेट। नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर, आई थिंक आई नो द कंप्लीट आंसर, मेरे को पता है इसका जवाब क्या है, वेरिफिकेशन मेथड खत्म, है ना, एग्जैक्टली राइट अर्जुन जी, ये हुई ना बात, दिस इज डन एंड डस्टेड, 20 सेकंड्स मोर, सो आई जस्ट फील रियली सैड फॉर पीपल हु नॉट सीन अवर उमंग सेशंस, पीपल वहां पे हमने ऐसी ऐसी हरकतें की है ना, मतलब क्या बताऊं आपको, उमंग सेशन को देखना वहां पे ऐसे सारी ट्रिक्स मिल जाएंगे आपको, एक और मौका है वैसे ये सब सीखने का, बताता हूँ आपको क्या है, बट लेट्स गो ऑन टू दिस। 625 बच्चों ने बुट ऑन किया, 25 स्क्वायर बच्चों ने, अरे पार्टी धमाका, पिकी क्वेश्चन देवंशी, धमाका बच्चों धमाका, प्राउड प्राउड ऑफ यू गाइस, एब्सोल्युटली किल्ड इट,
Let us check out the leaderboards here. Absolutely killed it, people. Absolutely killed it. Super proud of you guys. कौन है हमारे सबसे आगे? क्या लकी जी ने क्रॉस कर दिया श्रेया को? ओह नहीं, श्रेया बोल रही है भाई नहीं होगा तुमसे. श्रेया जी कॉन्ग्रेचुलेशन, लकी जी कॉन्ग्रेचुलेशन, संचित, देव, आर्यन, ऋषभ, सानवी जी आ गई हमारी, थैंक यू सो मच सानवी, मधु, सिद्धेश, पीयूष, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया. अब मैं बताता हूँ आपको कि वेरिफिकेशन मेथड से कैसे इस सवाल को दोबारा 10 सेकंड में हम कर सकते हैं. सिक्स क्वेश्चन आपके सामने 2019 का क्या दिया भाई? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ नेचर, खत्म. कॉनकेव लेंस का सवाल चल रहा है, नेचर पूछ लिया, वेद, वर्चुअल इरेक्टिमिनिश कहाँ है भाई, खत्म, गया, कहाँ और, ये भी गया, खत्म. दो ऑप्शन है, ठीक है. अब दूसरा, v की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, गया, खत्म, डन, बचा ही नहीं कुछ करने को. मान लो अगर एमसीक्यू में आ गया, कितना इजीली हो जाता है ना. यस, ओके, सो v इज इक्वल टू नेगेटिव, v इज इक्वल टू नेगेटिव, लेट्स सॉल्व दिस नाउ. v नेगेटिव है और v का वैल्यू यू से कम होना चाहिए, तो यू कितना दिया हुआ है आपको, 40 से कम होगा भी, ठीक है. और v की वैल्यू कितनी, और कितनी दी गई है, फोकल लेंथ दी गई है 20. एक मिनट, डिस्टेंस, यार ये तो क्वेश्चन गलत है यार ना. फाइंड द डिस्टेंस एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस एट 40. नहीं यार, दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, कैन नॉट हैपन. v की वैल्यू हो ही नहीं सकती फोकल लेंथ से ज्यादा. काफी बेकार सवाल लगा मुझे. आई डोंट थिंक दिस शुड बी अ बोर्ड क्वेश्चन. आई डोंट थिंक दिस शुड बी अ बोर्ड क्वेश्चन बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली फंडामेंटली रॉन्ग. मेरे को करके देखना पड़ेगा अभी कि जवाब सही आ रहा है कि नहीं. आई हैव टू गो एंड चेक इट अपना. देखना पड़ेगा मुझे, देखते चलो. तो 1/f = 1/b - 1/u, ठीक है. अगर ये जवाब -40 आ गया ना, तो एक क्वेश्चन नहीं आना चाहिए बोर्ड में. गलत जवाब है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज कैन नॉट द वी ऑफ वैल्यू ऑफ बी कैन नॉट बी ग्रेटर देन फोकल लेंथ, कैन नॉट बी. Let's find that out. ठीक है, 1/f = 1/b - 1/u. ये बात आ गई. अब करते हैं 1/b = 1/f + 1/u. 1/focal length कितना है? Focal length is 20 दिया हुआ है, तो -20. U is -40, सही? ठीक है. अब जो अगर निकालेंगे 1/b का, the value will be -40 - 20 - 60 divided by -20 - -40. तो 0, 20 ones are 23s are. क्या था? हाँ, ये मैं कह रहा था. 40 नहीं लग रहा मेरे को. सो v विल बी इक्वल टू -40/3. नहीं आएगा, बोला था मैंने आपको. कैन नॉट हैपन, राइट? तो यहां पे जो ऑप्शंस है वो गलत. ऑल द ऑप्शंस आर रॉन्ग. यस, बट दिस वाज द क्लोजेस्ट आंसर कि -40/3 होना चाहिए था बस. क्लोजेस्ट आंसर. तो -40/3 इज ऑफकोर्स कितना, 3 1s are 3, कितना बच गया 10, तो 13.33 माइनस शुड बी द आंसर. यस, है ना, एग्जैक्टली. ये याद रखना हमें, हमेशा याद रखना, ठीक है पीपल. तो यार वो छोड़ो, खास बात क्या है कि मेरे को ये समझ में आ गया कि या तो यार क्वेश्चन कर जाते या तो ऑप्शन. कैसे? वेरिफिकेशन मेथड. समझ में तो आ गया भाई, है कि नहीं? ओके पीपल, कॉन्ग्रेचुलेशंस. तो यहाँ पे बोर्ड रॉन्ग नहीं था, यहाँ पे ऑप्शंस रॉन्ग थे, बट -40/3 करेक्ट आंसर. ग्रेट जॉब, ग्रेट पीपल, ऑल द बेस्ट. अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे आज के आखिरी पढ़ाव की तरफ, लेवल 3, और इसका जवाब आप लोग मुझे दो. आर यू क्विटिंग पीपल? आर यू क्विटिंग? यस और हेल नो सर, हेल नो, आई एम क्विटिंग, आई एम नॉट. अगर यहाँ के चैनल के हर एक टीचर क्विट नहीं कर रहे हैं आपको पढ़ाते हुए, तो आप लोग बच्चे होते हुए कैसे क्विट कर सकते हो? आप लोग तो हमसे ज़्यादा महान हो ना, मचाना है. एंड आई कैन सी दैट वी हैव क्रॉस 1.6K लाइक्स. We are definitely touching 2000 likes very, very soon. I have a hope that we can cross 2000 likes today. So make sure that you hit the like button, people, if in case you haven't. And thank you so much to all the students who hit the like button. And thank you so much to all the students who subscribe to this channel by watching this video right now. Subscribe the channel right away. Do not miss out this opportunity. Press the bell icon so that you get notified about all these amazing sessions. Join the Telegram group. Description link mein aapko mil jayega Telegram group ka link. Join karo taki aap community page pe aur Telegram pe schedule dekhte raho, har din update hote rehta hai. ठीक है, चल रहे हैं अभी हम. काउंटडाउन स्टार्ट करें एक बार. क्या कहते हो लेवल 3 के सवाल को करते हैं? तो अभी आपको डिफिकल्टी लेवल दिखेगा,
डिफिकल्टी अप होते दिखेगी, लेकिन जो मैंने आपको लिस्ट दिया था ना कॉनकेव लेंस को देखकर, वो याद रखो, वेरिफिकेशन याद रखो, ठीक है। 10, 9 काउंट ऑन पीपल, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 क्वेश्चन नंबर लेवल 3 ऑन योर स्क्रीन नंबर 1। इसको करने के लिए आपके पास होंगे 90 सेकेंड्स। जुड़ जाओ बच्चों और मचाओ। क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, लेट्स गो। 2011 का सवाल। A 2 cm tall object is placed perpendicular to the principal axis of a concave lens of focal length 15 cm. At what distance from the lens should the object be placed so that it forms an image 10 cm from the lens? Also find the nature and the size of the image formed. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, लेकिन यहां पे आप इजीली दो ऑप्शनों को कैंसिल आउट कर सकते हो। जल्दी से मुझे बताओ ऑन दी चार्ट राइट अवे, इनमें से कौन सा दो ऑप्शनों को जो आप एलिमिनेट करने वाले हो, जल्दी बताओ मुझे। थैंक यू सो मच गौरव जी। कौन से दो ऑप्शन आप एलिमिनेट करने वाले हो डायरेक्टली? शाबाश मेरे शेर, शाबाश विधि, बहुत बढ़िया बेटा। अर्जुन, अथर्व, अथर्व जी एक और बार सोच लो। वेरी गुड सौरभ, शरण्या, वेरी गुड सहाना, आदित्य, वेरी गुड कॉस्मिक, यस पीपल, नदीम, बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली। वेरिफिकेशन में तेरा काम आ गया ना, मचाओ मचाओ मचाओ। 40 सेकेंड्स मोर, वेरी गुड वेरी गुड, यस ए एन डी, रमेश बहुत बढ़िया, शुभम बहुत बढ़िया, नमन, राघव, यस अशोक, फैंटास्टिक मोमेंट, शुभम बहुत बढ़िया, विभूति, यस यश, राम जी बहुत बढ़िया, आयशा वेरी गुड, फैंटास्टिक, जय बहुत बढ़िया, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पीपल, रॉकिंग। Look at the improvement you had in just one session of today. Look at the improvement. So much of knowledge in one session packed. That's why I'm requesting you to watch Umang session. Because वहाँ पे तो कौन सा पढ़ा रहे थे हम? यहाँ पे तो मैं पढ़ा नहीं रहा कुछ. I'm not teaching you anything today. We are just solving questions. Watch all the Umang sessions. There is one more opportunity to learn a lot. Go ahead. Yes. 3, 2, 1. Respect to all those 606 students who participated. Respect. Look at that. Beautiful. Well done, people. बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच कीर्तना, बहुत बहुत बढ़िया पीपल, सुपरली प्राउड ऑफ यू गाइस। लेट अस चेक आउट द लीडर बोर्ड्स एंड आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे एंड आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड व्हिच ऑप्शन यू शुड हैव डिलीटेड डायरेक्टली। सो आई से ओ श्रेया, श्रेया आई फील फॉर यू, श्रेया आई रियली फील फॉर यू, आई एम रियली सॉरी दो, बट यू स्टिल हैव वन मोर चांस लेफ्ट, गिव योर बेस्ट। लकी जी कॉन्ग्रेचुलेशन, संचित जी, देव, आर्यन, शानवी, श्रेया, सिद्धेश, पीयूष, अनुसाई, श्री, अभिनव, बल्ले बल्ले अभिनव, एवरी वन कॉन्ग्रेचुलेशन। लकी यादव जी बहुत बहुत लकी लग रहे हो आज आप तो ज्यादा लकी लग रहे हो अरे साक्षी जी कुछ भी यार, कम ऑन, क्या हुआ सर? वंस टेक अ सेशन टिल मिडनाइट, आई एम रेडी टू टेक सेशन टिल मिडनाइट, आई वॉज थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ सेशन फ्रॉम 11 o'clock टू 12 o'clock एट मिडनाइट। Just motivation, just random talks. What do you guys say? Random talk. But the thing is na, मतलब आप सुबह शाम स्क्रीन के सामने रहते हो और मैं नहीं चाहता कि आप रात को भी स्क्रीन के सामने रहो। It affects your eyes and hand and health. That is something which I don't want you guys to do. Something random, like an AMA session, ask me anything, a doubt session, बस comment set, आप पूछोगे हम बोलेंगे बस, सोच रहा था but anyways, ठीक है। But yeah people, so thank you so much for nailing this question once again up. But before I go forward and solve this last question for today, I really want all of you guys to look forward to this opportunity. Hai na? Is just ek session ke through aapne dekha hoga kitni sari amazing cheeze miss ho gayi thi aapse. Ab main aapko ek cheez batata hu. December 10 ke aas paas, December 10 ya uske baad, revision courses CBSE 10th Vedantu Pro subscription में आ रहे हैं, revision courses where the entire syllabus would be revised in a very fast track manner and then you will be getting the question similar to like this and when you're revising all those tips and tricks which you might have missed out this entire while studying by yourself or not getting the opportunity to learn about them, this is your opportunity. You really do not want you to miss this out. I'm myself planning to start a revision course very, very, very soon. I'll let you guys know about that, but this is the opportunity starting very, very soon, people. Go forward. Here is the opportunity to gain 100% knowledge and 400% of marks. And while you're doing it, this revision course is not the only thing which you're getting because hum abhi courses nahi de rahe.
हम सब्सक्रिप्शन देते हैं और सब्सक्रिप्शन वाले हर एक बच्चे को हर एक कोर्स फ्री है उस पर्टिकुलर कैटेगरी, जो भी ग्रेड में आप हो उस कैटेगरी में, जो भी आपके क्रैश कोर्सेज हो रहे हैं, जो भी कोर्सेज हो रहे हैं, सब कुछ उस बंदे को फ्री है। यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं जो हमारे पास हैं, हमारे पास ऑलरेडी प्रो में हैं। तो बच्चों वेदांतु प्रो बनना है अभी, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस के पास ऑप्शन है आपके पास, हर एक क्लास में लाइव क्विजेस और लीडरबोर्ड्स का ऑप्शन है। जब कंपीट करोगे स्टूडेंट्स थ्रू आउट दी वर्ल्ड, आपके पास अपॉर्चुनिटी है इन आखिरी दो महीनों में मचाने का, उस बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप करने का। हमारा यही ड्रीम रहा है हमेशा कि क्यों एक बच्चा टॉप करता है, क्यों हर कोई बच्चा टॉप नहीं करता, हमारा यही ड्रीम रहा है और हम हर एक बच्चे को ऐसे ही पढ़ाते हैं, कि नहीं? तो आई एम प्रीटी श्योर ऑल द स्टूडेंट्स हू हैव बीन देयर विद मी इन द प्रो क्लासेस, दे नो वी पे अटेंशन टू एवरी स्टूडेंट आउट देयर, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके पास ये ऑप्शन कि आप स्टूडेंट्स ऑफ थ्रू आउट द वर्ल्ड से कंपीट कर सको, अपने रैंक को बढ़ा सको, अपने आप को पहचान सको कि आपकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, और उसके साथ साथ रिप्लेस को देख सको। क्योंकि जब अनलिमिटेड लाइव क्लास होती है तब एक या दो क्लास तो मिस डेफिनेटली हो सकते हैं, और मिस हो भी जाए चिंता मत करो क्योंकि आपके पास है वो रिकॉर्डिंग्स हैं, देखो रिकॉर्डिंग को, उसमें भी लीडर बोर्ड में आओ, उसमें भी क्विज खेलो क्योंकि ये इंटरेक्टिव रिप्ले है। डाउनलोड करो नोट्स को हर एक सेशन के बाद और भाई मचाओ उसमें भी, क्योंकि उसमें लिखा होगा टीचर्स का हैंड रिटन नोट्स भी। उसके अलावा अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग, जो इतने 10-12 महीने बैठे पकड़ के बैठे हुए ना, जो भी डाउट्स हैं उन सबको डाउट सॉल्विंग के दौरान क्लियर करते जाओ, टॉपिक बाय टॉपिक, रिवीजन बाय रिवीजन, चैप्टर बाय चैप्टर, साथ में क्वालिटी टेस्ट एंड असाइनमेंट जहां पे आते हैं क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, सब कुछ, वन स्टॉप सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। क्या करना है? सीधा जाना है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो पीपल, जस्ट गो ऑन टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो और ऑन द पिंड कमेंट। And once you go into the link in the description below, क्या होने वाला बताता हूँ। ध्यान से देखना बच्चों, this is the last time today I'm going to tell you this, and especially because क्योंकि revision courses आ रहे हैं, crash courses मैंने आपको already बता दिया था और हजारों बच्चों ने crash course join कर लिया। अब revision course भी एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जहाँ पे आप और ज़्यादा मचा सकते हो। Let me show you how and what you are exactly going to get and how to join this courses. Let me show you very, very, very quickly, people. Hold on here. जल्दी से देखो यहाँ पे। ठीक है, जस्ट गो ऑन टू दिस पर्टिकुलर वीडियो, जो वीडियो भी आप देख रहे हो, इस वीडियो के सीधे लिंक पे जाओ, 1.8K, थैंक यू। ठीक है, सीधे इस लिंक पे जाओ। सबसे पहले तो आपको ये दिखेगा, हर एक स्प्रिंटेक्स प्लेलिस्ट यहीं पे, स्प्रिंटेक्स देखो और मचाओ वहां पे। ठीक है, और बाकी सारे सेशन के भी यहाँ पे ही है। सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो, क्लिक ऑन दैट लिंक, जैसे खोलोगे ये खुल जाएगा, बोर्ड चूज करो, टारगेट चूज करो, खत्म, सारी चीजें यहीं पे। यू हैव द ऑप्शन ऑफ लर्निंग इन द लैंग्वेज व्हिच यू प्रेफर, इंग्लिश में या हिंदी में, आपका शेड्यूल आप खुद चूज कर पाओगे। हाउ अमेजिंग इज दैट? सीधा जाओ नीचे और नीचे देखो सारे के सारे रिजल्ट्स, देखो 10th का, 12th का, सबके देखो, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो। जैसे क्लिक कर दोगे ये आपके सामने खुल जाएगा, एक महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है, 3 महीने का लेना है, फर्क नहीं पड़ता, जैसे आपका बजट है वैसे आप ले लो। मैं बता देता हूँ, एक महीने का कोर्स होता है 2700 का, लेकिन जैसे आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करोगे, द मोमेंट यू अप्लाई माई कूपन कोड AKPRO, मजा आ जाएगा भाई। 2700 का जो एक महीने का कोर्स है वो खत्म होकर आ जाएगा 2160 पे, एंड 3 months कोर्स विच इज एट 7000 रुपीज विल कम डाउन टू 5600, एंड दिस विल एनीवेज इन्वॉल्व ऑल द क्रैश कोर्सेज, ऑल द रिवीजन कोर्सेज फॉर एवरी सिंगल सब्जेक्ट आउट देयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, SST, इंग्लिश, एवरी सिंगल थिंग। सही में पूछो मुझसे तो मैं कहूंगा कि भाई 3 महीने को गोली मारो, 3 महीने को गोली मारो फिलहाल, क्यों करो? 1 महीने का लो, क्यों? यहां से 1 महीने इज समवेयर अबाउट Jan 3rd, December 25th न्यूयॉर्क के दौरान, आई एम प्रीटी श्योर वेदांतु विल लॉन्च ऑफर्स, डिस्काउंट ऑफर्स, उस दौरान ये प्राइस 50% कम हो जाएंगे, तो उस दौरान 1 महीने का और ले लेना, रिन्यू कर लेना, क्यों 50% मिल जाएगा आपको, क्यों एक्स्ट्रा पे करो, क्योंकि आपके पास 3 महीने है नहीं फिलहाल, लेकिन लेना है 3 महीने का तो ले लो अभी, कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरे, अगर मेरे पास दिमाग होता जो है इसे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ 1 महीने का। ठीक है, बता दिया मैंने, ट्रिक्स बता दी भाई, वेदांतु वाले सुन लेंगे ना मुझे कहते हुए, तो बोलेंगे भाई तुम्हारा घोर घटा, तुम्हारा प्रॉफिट घटा रहे हो भाई, कर क्या रहे हो, तुम्हारा प्रॉफिट एकदम घटा रहे हो यहाँ पे, है ना? ओके, वॉइस ठीक है भाई? चेक 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 चेक, थोड़ी बहुत ही है ना प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, ओके चलो मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, एक मिनट रुक जाओ बच्चों। यस, हाउ इज साउंड नाउ? सही है, हाँ सही ना एकदम, शाबाश, ये पार्टी। चलो बहुत बढ़िया पीपल, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन नाउ। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन नाउ, कूल। अगर साउंड की तो आवाज दोबारा आए तो बताना। Before I could see already Drashya, a lot of you guys are telling me I'll join.
आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइस पीपल, आई रियली विश दैट ऑल ऑफ यू गाइस जॉइन. ठीक है, ग्रेट पीपल, ऑसम. लेट्स मूव ऑन टू द सेवंथ क्वेश्चन विच आई जस्ट डिस्कस विद यू राइट नाउ, क्योंकि इसके बाद हमें करना है हमारा आज का आखिरी सवाल, दैट इज द एट्थ क्वेश्चन टुडे. बट उससे पहले कर लेते हैं इसका जवाब. ठीक है, a 2 cm tall object is placed perpendicular to the principal axis of concavity focal length 15 cm. अच्छा ठीक है, height of the object आपको दी गई है 2 cm, of course positive. आपको दी गई है focal length 15 cm, जो होगा negative. ठीक है भाई, okay. और बताओ, at what distance from the lens should the object be placed? अच्छा, object distance पूछ रहा है, so that it forms an image 10 cm from the lens. तो image distance आपको दी गई है -10. of course object distance 10 और 10 से ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है, Also find the nature and size of the image. अरे nature तो भाई virtual ही रखते हैं, तो option A, option D कट गया. Option A और option D सीधा सीधा कट गया. मजा आ गया. ठीक है, एकदम मजा आ गया. अब U की value 10 से ज्यादा होनी चाहिए, हर एक value U से 10 से ज्यादा है, कुछ नहीं कर सकते हो. अब U की value 1, you know, आपका जो height of the image है वो diminished होनी चाहिए, क्योंकि आपको diminished image मिलता है हमेशा, करेक्ट. और आपकी जो height है वो 2 cm दी गई है, तो यानी कि हाइट ऑफ द इमेज 2 से कम होनी चाहिए. 2/3 भी 2 से कम है और 1/3 भी 2 से कम है, नहीं कटेगा. आगे बढ़ो, सॉल्व करो इसको जल्दी से. ठीक है, तो 1/f रैप करेंगे, 1/b-1/u, 1/u = 1/b-1/f. ये करारा 1/b क्या है, -10 -10, 1/f क्या है -15. बोलो तारारा तारारा तारारा, -10 -15, 5 1 5 3 कैंसिल, कितना आ गया 30. u = -30. कौन सा ऑप्शन है, -30 वाला, ये है सही. h भी निकाल देते हैं, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u, h डैश इज इक्वल टू v अपॉन u इनटू h. v कितना है, v आपके पास -10 है, u कितना है -30 अभी आया, h कितना है 2, 10 1 10 3 आंसर आ गया, h डैश इज इक्वल टू 2/3. अरिगातो अरिगातो जोजो अरिगातो, कैसे हो, सही लड्डू सवाल ना, बहुत लड्डू, न्यूमेरिकली करना तो बहुत लड्डू है. सवाश यार, अब आ गया मेरा आज का सबसे फेवरेट सवाल इस पूरे 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 सेशन का, मेरा सबसे फेवरेट सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. आ गया भाई, और 1.9 के क्रॉस, 2000 लाइक्स हम टच कर रहे हैं आज, हमारे पास कैपेबिलिटी के 2200 टच कर ले हैं. क्या कहते हो, यू गॉट द आंसर सूची, सवाश सही बचा दिया. आज का आखिरी सवाल बच्चों, जो बच्चे अभी तक जुड़े नहीं है मेंटी में, जुड़ जाओ, क्योंकि आखिरी सवाल करने में जो मजा आएगा ना, क्या ही बताऊं मैं आपको, एकदम आहा है, आहा आहा से आहा जाएंगे अभी. मचा दिया एशले आशे, ग्रेट, थैंक यू सो मच आदिया, रेडी. तो बच्चों एक बार जोरदार मुझे बोल दो बल्ले बल्ले, एंड विद दैट आई स्टार्ट दिस सेशन. व्हेन आई सी बल्ले बल्ले बीइंग स्पैम्ड, आई विल गो एंड स्टार्ट. थैंक यू सो मच जितेंद्र जी, मीन्स अ लॉट. बड़ी आई एम सीइंग, लुकिंग फॉर बल्ले बल्ले, एंड आई एम सीइंग इट. द क्विज स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 ऑन योर स्क्रीन. ऑल द बेस्ट पीपल, ऑल द बेस्ट. Simple people, when an object is placed in front of a concave lens of focal length 15 cm, the magnification produced is found to be 1/4. Where are the object and the image located? Yep. 2K, ओहो 2000 लाइक्स बच्चों, 2000 आ चुके हैं हमारे पास लाइक्स, क्या बात है यार, क्या बात है, थैंक यू सो मच यार. सर मैं बालों वाला कॉम्पिटिशन जीतेंगे, हाँ आई नो आजमी, आई नो. अरे कोई बात नहीं बेटा, दर्शा जी कोई चिंता नहीं है, दर्शा जी बल्ले बल्ले, जिनका भी नाम दिख जाता है मैं बात कर लेता हूँ, आपको पता ही है. प्रणाम जी बहुत बहुत शुक्रिया, 9th क्लास बिग फैन, अरे थैंक यू सो मच प्रणाम, मीन्स अ लॉट. जैकेट नहीं पहना बेटा अभी, अभी गर्मी लग रही है, इतना चलना पड़ता है ना. 60 seconds मोर टू गो फॉरवर्ड फॉर दिस. यू और वी की वैल्यू बताओ. एक सिंपल सा सुझाव आपको दे देता हूँ, यहाँ पे ना छोड़ो, बाकी सब छोड़ो, वेरिफिकेशन सब छोड़ो, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो बस. हाँ ऑफ कोर्स मैं एक ऑप्शन तो काट ही सकता हूँ जो वेरिफिकेशन मेथड, अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली देख रहा हूँ क्वेश्चन, मैंने ठीक से पढ़ा नहीं है, बट एक ऑप्शन तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ इसमें से, वो होगा ऑप्शन बी, बता देता हूँ आपको क्यों, क्योंकि यू और वी की वैल्यू सेम है, वो नहीं हो सकता, वी की वैल्यू यू से कम होगी, यू और वी सेम नहीं हो सकते. ठीक है, तो बी तो काट दिया मैंने, ए सी और डी बचा है, ए और सी और डी में देख लो आप लोग क्या लगता है आपको, सही सोच लो, फोकल लेंथ 15 है, बी की वैल्यू 15 से भी कम होनी चाहिए, वो तीनों भी 15 से कम ही है, तो मैं तो बी तो निकाल दिया अपने लिस्ट से. थैंक यू सो मच ध्रुव, थैंक यू सो मच आरिशा, मचा दिया एकदम. 3, 2, 1 इट एंड्स नाउ.
लेट्स सी. वो अरे आई शुड हैव टोल्ड दिस बिफोर. नो तो ये 98 बच्चे भी कोई और वोट कर लेते हैं. सो इट इज ऑप्शन ए पीपल एंड लेट अस फाइंड आउट हाउ. ठीक है और कैसे करना है इसको. देयर इज अ रीजन व्हाई आई टोल्ड यू दिस माय फेवरेट क्वेश्चन. देयर इज अ रीजन. करेक्ट. व्हाट इज द रीजन. क्योंकि इसको ना आप सीधे रास्ते नहीं पकड़ सकते. इसको उल्टे रास्ते पकड़ना पड़ेगा. कैसे देखो. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज 1/4. वेयर आर द ऑब्जेक्ट एंड इमेज प्लेस्ड. यानी कि आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं है, इमेज डिस्टेंस नहीं है. कितने वेरिएबल्स हैं? दो वेरिएबल है. और अगर दो वेरिएबल्स है आपको इनको सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए बच्चों? हाउ मेनी इक्वेशंस डू यू नीड इफ यू हैव टू वेरिएबल्स? हाउ मेनी इक्वेशंस? या अनिकेत करेक्ट. यू नीड टू सूची. यस पीपल यू नीड टू इक्वेशंस. नाउ फ्रॉम वेयर विल यू गेट द टू इक्वेशंस? अरे बुड़बक दो ही तो फॉर्मूला है हमारे पास. उन्हीं में से निकलेगा दो इक्वेशन. करेक्ट. मैग्निफिकेशन 1/4 है. मैग्निफिकेशन दूसरा फॉर्मूला क्या था? वी आर अपॉन यू का. एम इज इक्वल टू वी अपॉन यू ऑल्सो. एम कितना है? एम है आपका 1/4 इज इक्वल टू वी अपॉन यू. लिख दो दैट यू इज इक्वल टू 4v. खत्म. पहला इक्वेशन बन गया आपका. यू इज इक्वल टू 4v. करेक्ट. दैट्स फर्स्ट इक्वेशन फॉर यू गाइस. करेक्ट. एक मिनट सही लिखा ना मैंने? हाँ करेक्ट. U इज इक्वल टू 4v. क्यों ना हमेशा U और 4 में सिमिलर सेम जैसे मैं लिखता हूँ. देखिए अगर U और 4 सेम लग रहा है इसे मैं कंफ्यूज होता लिखा मैंने सही है कि नहीं. तो U को अच्छे से लिखता हूँ मैं. U ठीक है. 4 को शायद ऐसे लिखना पड़ेगा. U इज इक्वल टू 4v. ठीक है बच्चों. एक इक्वेशन बन गया. दूसरा इक्वेशन लेंस फॉर्मूला. लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U. लेंस फॉर्मूला है. इसे दूसरा इक्वेशन बनेगा. करो जवाब निकालो. निकालते हैं चलो जल्दी से. साथ में निकालते हैं. ठीक है. 1/F. F की वैल्यू आपको है 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 1/B माइनस 1/U. U कितना है? 4v. तो U के बदले लिखोगे 4v. ठीक है सही. अब सॉल्व करो. इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है 15. V सिर्फ एक ही वेरिएबल है. सॉल्व करो. 1/-15 इज इक्वल टू 4v-v इज 3v. करेक्ट. 4v माइनस इज 3v. 4v स्क्वायर. तो v और ये स्क्वायर कट गया. आपके पास आ जाएगा 4v इज इक्वल टू 15 इंटू 3 इज माइनस 45. सो v बिकम्स इक्वल टू माइनस 45 बाई 3 विच इज हाउ मच. 3 1 3 कितना बच गया? 15. 3 5 15. करेक्ट. तो माइनस 15. v इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर. मेक्स परफेक्ट सेंस. करेक्ट. एक मिनट एक मिनट बच्चों. ये 45 बाय 4 है 3 नहीं है. यही मैं बोलता हूँ ना यार. मैं 4 और यू में कंप्यूटर हो रहा हूँ. ठीक है. 45 बाय 4 है वो 3 नहीं है. तो 45 बाय 4 करूंगा तो मैं 4 1 4 और उसके बाद दोबारा 4 1 4. ठीक है. और पॉइंट भी लगेगा 4 2 8 तो 11.2 माइनस 11.25. करेक्ट. माइनस 11.25 सेंटीमीटर सही. अब आपको ऑलरेडी पता है यू इज इक्वल टू 4v और 4v का वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी. देखो दिख रहा है माइनस 45. तो u इज इक्वल टू माइनस 45 सेंटीमीटर. मैंने खाना खाया ना बेटा? मैंने तो नहीं खाया अब तक. हम तो लेट खाते हैं थोड़ा सा. यस पीपल हाउ वाज दिस क्वेश्चन? इट वाज अमेजिंग राइट. बिफोर चेकिंग आउट द लीडर बोर्ड्स एक बार चीज बता देता हूँ. हर एक सोल्यूशन मैंने दिया हुआ है यहाँ पे. डाउनलोड कर लेना नोट्स को. डिस्क्रिप्शन में 24 आवर्स में अपडेट हो जाएगा. ठीक है. उसके अलावा ये रहा आपका आज का होमवर्क. इसको बताना है आपको कहाँ पे भाई? कमेंट्स में मचा डालना है. कमेंट्स को में 1000 कमेंट्स हो जाना चाहिए इस वीडियो के एंड में. है ना. पहला होमवर्क का जवाब दो ताकि अगले सेशन में होमवर्क रॉकर बन पाओ. दूसरा कोई डाउट्स हो तो मुझे पूछो ताकि मैं आपको हार्ट दे पाऊँ और मैं आपको ये बता पाऊँ कि आपका डाउट कितना अच्छा था. दूसरा तीसरा फेवरेट क्वेश्चन फॉर टुडे. मेरा फेवरेट क्वेश्चन आज का 8वां सवाल था. आप लोग बताना आपका फेवरेट सवाल क्या था. ठीक है. नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी द लास्ट VIP सेशन फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर विच इज पावर ऑफ लेंस प्रॉब्लम्स. हमने वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सीरीज कर लिया है इलेक्ट्रिसिटी के लिए. हमने कर लिया है लाइट के लिए. अभी ये आखिरी सेशन होगा. उसके बाद विल स्टार्ट ह्यूमन आई. ठीक है. चलो डू नॉट फॉरगेट टू गो टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो ऑन द पिन कमेंट. कूपन कोड इज AK ब्रो. बच्चों मचाते जाओ. लेट एस गो पीपल. कंग्रेचुलेशंस. हियर इज द लास्ट लीडर बोर्ड्स और देखते हैं हमारे स्क्रीन पे कौन आने वाला है. क्यों उत्कर्ष जी क्या हो गया? ग्रेट. लेट गो. फोटो लेते हैं. फोटो लेके हमारे डालना है हमें. यस संचित जी. ओ माय गॉड संचित 9th ग्रेडर.
wins the CBSE 10th quiz here. Oh my God, this is crazy. Shanvi ji, congratulations. Oh my God, I think Shanvi missed out with just, 43 points. Oh my God. Lucky is on the third, Siddesh ji on the fourth, Dev on the fifth, Abhinav on the sixth, Anushri on the seventh, Raghav on the eighth, Aryan on the ninth, and Nirzara on the tenth. Congratulations. Nirzara ji, after a long time, I every time remember, the moment I speak about Nirzara, it's like, Nirzara, a sonny Nirzara. बस चलो फोटो लेते हैं अभी 2.1 के सो चुके हमारे फोटो लेंगे फोटो चलो लेट्स टेक अ फोटो ऑफ संचित राइट नाउ हियर यस टेकन अभी हमारे नॉर्मल एडिट्स कॉन्ग्रेचुलेशंस बड़ी काहे कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों विनर ऑफ सीबीएसई 10th वीआईपी सीरीज ऑन कॉनकेव लेंस मचा दिया भाई डिफरेंट लेवल में मचाया आपने तो आज ग्रेट और क्या डालना है आज बिंदास डालना है एपिक डालना है क्या बताओ बिंदास डालू एपिक डालू आज एपिक डालता हूं ना क्या कहते हो एपिक टॉप 10 का नाम भी है अपने दोस्तों को बुलाओ और बोलो कि YouTube स्टोरी ऑफ क्लास 9th एंड 10th चैनल वेदांतु चैनल का जो YouTube स्टोरी है उसमें मेरा नाम है भाई नाम है मेरा ठीक है एपिक डाल दें चलो एपिक डाल दिया मैंने और अभी हम डाल देते हैं मेंशन वेदांतु क्लास 9th एंड 10th बस तो जैसे हमारे YouTube स्टोरी पे जाओगे आप ये दिख जाएगा आपको ठीक है ये सारी चीजें दिख जाएंगे नाम आपका दिख जाएगा टॉप 10 का देख लेना ठीक है चलो पोस्टेड सही मजा आ गया यार काफी मजा आया आज लगता है मेरे को कि रात को सेशन लेना अच्छा होता है क्या कहते हो हाई फाई चलो सबको हाई फाई बच्चों नाउ एक और चीज मैं बता देता हूं जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है हारो जीतो फर्क नहीं पड़ता है अगर आपने कोशिश की तो फर्क पड़ता है इसी से मुझे फर्क पड़ता है इसी से हर एक इंसान को फर्क पड़ता है तो गिव मी क्विक हाई फाइव एवरीवन ऑफ यू गाइस गेव योर बेस्ट हाई फाइव टू एवरीवन पीपल बल्ले बल्ले टू ऑल ऑफ यू गाइस यू हैव डन अ फैंटास्टिकली ऑसम जॉब Do not ever let anyone tell you that you cannot do it. Always mention every single time that you can and you will. Hamesha. Okay, people. Let's go. So with that, people, end the session today. I hope all of you guys enjoyed today's session. Until we meet the next time, this is Abhishek signing off. Enjoy your life. Stay home, stay safe, and stay strong. I'll catch you guys in the next one. Peace.